कैसे हो आप सब गाइस? जो खड़ी अपनी R15 धीरज भाई की है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई ने कुछ एक चीज़ इंस्टॉल करवाई है, लीवर गार्ड इंस्टॉल करवाया है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ उसकी लुक कैसी लग रही है और कितने के इंस्टॉल करवाए हैं भाई ने, तो आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, ये है लीवर गार्ड जो धीरज ने इंस्टॉल करे हैं, और दूसरी साइड का दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दूसरी साइड का भी है जो इंस्टॉलेशन करी है, वो अपने भाई ने ही करी है। तो अपना भाई बताएगा ये कैसे करी है इंस्टॉलेशन, क्या क्या कुछ लगा है इसमें, क्या इसका फ़ायदा है और क्या इसका नुकसान है, तो ये सारा अपना भाई बताएगा। तो धीरज भाई कुछ बताओ भाई इसके बारे में। फिर अब तो भाई इसके अंदर जो हमने लीवर गार्ड इंस्टॉल करवाए हैं, तो वैसे तो ज़्यादा वेट नहीं है इसका, ये CNC वाले लीवर गार्ड है अपने। और इसका जो लुक की बात करें तो रेड और कार्बन फाइबर फिनिश में लिए हैं हमने। जो इसका प्राइस है वो 550 रुपीज़ है। और इसको इंस्टॉल करने में दो इसकी चीज़ें हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले मैं डिसएडवांटेजेस बताता हूँ आपको, जो इसे लगाने के बाद आपको दिक्कत मतलब कह सकते हो कि आपको फेस करने के लिए मिल सकती है। इसके जो हैंडल्स हैं, इसके अंदर वेट था पहले जब हमने इसे लगाया, तो इसके अंदर इतने बड़े बड़े दो रॉड निकली जो वेट था, जिसके कारण क्या होता है वाइब्रेशन कम होती है हैंडल की। तो वो निकलने के बाद थोड़ी सी वाइब्रेशन बढ़ गई है, और क्या कहते हैं लुक्स में तो इन्हेंस हुआ ही है हमारा, वेट बढ़ गया है। वेट कम होने की वजह से हैंडल की वाइब्रेशन बढ़ गई है। और हमें लगाने में क्या प्रॉब्लम आई, ये वाला तो हमारा जो है लीवर क्लच साइड का जो है ये तो आपका इजीली लग जाएगा, बट जो रेस वाली साइड है जहाँ से आप एक्सेलरेट करते हो, यहाँ पे लगाने के लिए आपको वार्सल की ज़रूरत पड़ेगी, बिना उसके नहीं लग पाएगा। अगर आप बिना उसके लगाओगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। तो मेक श्योर जब भी आप इंस्टॉल करो तो वार्सल ले लेना, जहाँ से भी ये परचेज करोगे आप वहाँ से 2-3 वार्सल ले लेना, देन आप ये प्रॉपरली फिट कर पाओगे। और इसका एक और डिसएडवांटेजेस है कि जब भी आप नॉर्मली, अब मैं पहले चलाता था, मैं किसी भी गली में हूँ, किसी भी गाड़ियों के बीच में से इजीली मैं निकाल सकता था, कट वगैरह मार लेते थे, बट अब क्या है निकालने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो बाइक की विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो थोड़ी बढ़ चुकी है, जिसके कारण है ये टच करने का आपको हो सकता है, टच कर सकता है ये, या तो ये टूटेगा या सामने वाले की गाड़ी में स्क्रैच आएगा। तो थोड़ा देख के आपको चलानी है बाइक, बाकी लुक्स के मामले में एक नंबर लग रही है बाइक। तो लुक्स देख लो भाई लोग, आप लोग बाइक की, ये अपनी R15 V3। डिसएडवांटेज और एडवांटेज भाई ने बताई दी आप लोगों को। बाकी जो वाइब्रेशन की दिक्कत है वो आप एक तरीके से कम कर सकते हो, आप ग्लव्स पा के चलाओगे तो आपको वाइब्रेशन नहीं पता चलेंगे, अगर आप विदाउट ग्लव्स के चलाते हो बाइक तब आपको पता चलेगा कि वाइब्रेशन है। बाकी यार हर एक चीज़ के दो पहलू तो होते ही है, कुछ आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा तो कुछ खराबियाँ भी होंगी उसमें। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो गाइस बाकी सब कुछ धीरज भाई ने बताई दिया आप लोगों को। जो मुझे इसमें कमी लगती है वो ये है कि अगर बाई चांस अगर आप लोगों के साथ कभी कोई मिसहैपनिंग होती है, अगर आप लोग गिरते हो या इस साइड दोनों में किसी साइड पर गिरते हो, तो सबसे पहले आपका ये चीज़ टूटेगा, हाथ थोड़ा सा बच जाएगा आपका। और गाइस बता दूँ यार ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अगर यार आप लोग गिरते भी अगर आपका क्लच टूट गया ना, तो ये 250 रुपये का मिल भेजेगा, या 500 रुपये में 550 रुपये के ये दो मिलेंगे। तो यार मैं बस इतना बोलूँगा कि ये बस लुकिंग के लिए है इसमें, अगर आप लोग सेफ्टी परचेज करते हो तो सेफ्टी नहीं मिलेगी इसमें। तो आप लोग बाइक की लुक कैसी लग रही है कॉमेंट करके मुझे बता देना यार, और आप लोग यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, तुम्हारा भाई थोड़ा सा जोर पा रहा है तुम्हारे ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।